हेलो एवरीवन, आई एम द न्यूज़पेपर गाय एंड स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। वी आर इन 21st सेंचुरी एंड ह्यूमैनिटी ने अब तक की टाइमलाइन में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। ह्यूमंस के रिमार्केबल प्रोग्रेस ने इस पूरे वर्ल्ड को सदी दर सदी नए और अलग तरीके से शेप दिया। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग और वॉर्स थोड़े एक्सेप्शन ज़रूर हैं, पर पिछले कुछ सेंचुरीज में हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड स्पेस एज, साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज, टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स एंड कल्चरल रेवोल्यूशंस ने हमारे जीने के तरीके से लेकर हमारे काम करने एंड इवन हमारे बात करने के तरीके को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी, बाउंडलेस क्रिएटिविटी एंड अनस्टॉपेबल डिटर्मिनेशन की वजह से। पर पिछले कुछ सेंचुरीज में ह्यूमंस ने मेडिकल फील्ड में जो अचीव किया है वो इन सब के कंपैरिजन में कुछ नहीं। क्रूड रेमेडी से लेकर 19th एंड 20th सेंचुरी में हुए मेडिकल रिवोल्यूशन तक, ह्यूमन बॉडी को समझने की हमारी क्यूरियोसिटी की वजह से हमने न जाने कितनी डिसीज को कॉन्कर किया, न जाने कितनी सर्जरीज को पायनियर किया एंड ऐसी मेडिसिन डेवलप की जिसने लाखों जानें बचाई। और आज इस न्यू एरा ऑफ एडवांस बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ह्यूमंस बिल्कुल नए मेडिकल फ्रंट फुट पर है। एंड अमेजिंगली, इस मॉडर्न एडवांसमेंट की शुरुआत हुई थी भारत में आज से लगभग 2500 साल या शायद उससे भी पहले। अराउंड 1792 भारत में ब्रिटिशर्स एंड किंग ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान के बीच वॉर चल रही थी, जिसे आज फेमसली थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। कावासाजी, एक पारसी बुलॉक कार ड्राइवर एंड चार ब्रिटिश सोल्जर्स को सुल्तान ने सिरिंगापट्टनम कर्नाटका में प्रिजनर बना लिया और उन्हें रिलीज करने के पहले सुल्तान ने उन प्रिजनर्स के नाक और हाथ कटवा दिए। उस समय तक एम्प्यूटेटेड नोज ह्यूमिलिएशन और बेइज्जती की निशानी हुआ करती थी। कई हजार साल पहले इसका एग्जाम्पल ग्रेट इंडियन हिंदू पोएम रामायणा में भी मिलता है। इवन इन 1767 में नेपाल के काठमांडू वैली में जब गोरखास ने कीर्तिपुर नाम के टाउन को इन्वेड करके जीत लिया तो गोरखा किंग ने उस टाउन के 865 मेल्स की नाक कटवा दी, जिसके बाद से उस सिटी को हिस्ट्री में नासक्तापुर के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब होता है द सिटी विदाउट नोजेस। मैसूर से रिलीज होने के बाद आने वाले कुछ सालों तक इन प्रिजनर्स और कावासाजी ने अपनी जिंदगी ऐसे ही जी, पर एक दिन कुछ अलग हुआ। एक ब्रिटिश मिनिस्टर सर चार्ल्स वॉरे मैलेट की मुलाकात पूना के पेशवा कोर्ट में एक ऑयल क्लॉथ मर्चेंट से हुई, जिसके नाक पर एक अजीब सा निशान था। थोड़ी पूछताछ करने पर पता चला कि उस ऑयल मर्चेंट को मिलावट की सजा मिली थी, जिसमें उसकी नाक काट दी गई थी। पर पूना के एक पॉटर ने उसके ही फोरहेड स्किन का यूज करके उसके लिए उसकी नाक को रीबिल्ड किया था, या एक तरीके से उसके लिए एक नई नाक बना दी थी। उस समय सर चार्ल्स को ये किसी बेहुदा मजाक या एक कहानी की तरह लगा, पर फिर भी सर चार्ल्स ने उस पॉटर को मिलने के लिए बुलाया और उसे ऑर्डर दिया कि वो उस पारसी बुलॉक कार्ट ड्राइवर और उन चार ब्रिटिश सोल्जर्स की नाक को भी रिपेयर करे। नासिका साधना, एक नोज आर्ट जिसे भारत में कई सेंचुरी से एक गुप्त कला की तरह प्रैक्टिस किया जा रहा था और एक ही परिवार में जनरेशन टू जनरेशन इस नॉलेज को पास किया जाता था। ब्रिटिश मिनिस्टर के कहने पर वो पॉटर नोज कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो गया। कावासाजी के फोरहेड फ्लैप नेसल रिकंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया, जिसे उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दो फिजिशियन मिस्टर थोक्रूसो एंड मिस्टर जेम्स फिडले ने क्लोजली ऑब्जर्व किया। इस प्रोसीजर की खास बात यह थी कि पेशेंट 10 दिन के इंटरवल में ही रिकवर हो जाते थे और हर बार ये प्रोसीजर सक्सेसफुल ही होता था एंड नेचुरल रोज को रिसेंबल करता था। ये प्रोसीजर इतना एक्यूरेट था कि लगभग कुछ महीनों में असली और नकली के बीच कोई डिफरेंस तक नहीं बताया जा सकता था। कावासाजी के सक्सेसफुल ऑपरेशन को 10 महीने बाद 1794 में ब्रिटिश पेंटर जेम्स वेल्स ने एक पेंटिंग के थ्रू इलस्ट्रेट किया। इस पोर्ट्रेट को बॉम्बे एंड मद्रास गैजेट में शो किया गया एंड उसी साल इस कॉपर पोर्ट्रेट को द जेंटलमैन्स मैगजीन में एक लेटर के थ्रू डिस्क्राइब किया गया, जिसमें एडिटर सिल्विनस अर्बन ने कहा कि अ वेरी क्यूरियस सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ अफिक्सिंग अ न्यू नोज ऑन मैंस फेस दैट वॉज अनोन टू सिविलाइज्ड यूरोपियंस बट हैड बीन प्रैक्टिस फॉर जनरेशंस इन अनएजुकेटेड इंडिया। जनवरी 1975 इस सर्जिकल प्रोसीजर को अ सिंगुलर ऑपरेशन के नाम से पब्लिश किया गया। इन अप्रैल 1795 द कुरियर ने भी इस आर्टिकल को पब्लिश किया, जिसका टाइटल था अकाउंट ऑफ द मेथड ऑफ सप्लाइंग आर्टिफिशियल नोजेस एज प्रैक्टिस बाय नेटिव्स ऑफ मालाबार कोस्ट।
कावाजी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वार्ड से डिटेल डिस्कशन करने के बाद ब्रिटिश सर्जन जेसी कार्पियो ने इस पूरे मेथड को कॉपी किया एंड दो पेशेंट्स पर इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया एंड 1816 में इस पर एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया। द प्रोसीजर बिकेम वाइडली पॉपुलर इन यूरोप एंड इसे द हिंदू मेथड के नाम से जाना गया, जिसे बाद में द इंडियन मेथड भी कहा गया। हजारों मॉडिफिकेशंस के बाद भी ये मेथड समय के साथ अटल रहा है एंड आज तक नोज रिकंस्ट्रक्शन के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, जिसका प्रेजेंट डे में भी यूज किया जा रहा है। कावाजी को ब्रिटिश पेंटिंग्स एंड पेपर्स ने अमर बना दिया, जबकि उसके नाक को लगभग नॉर्मल करने वाले सर्जन को सबने भुला दिया था। ये केस मेडिकल हिस्ट्री में उन कुछ केसेस में से एक है जिसमें पेशेंट एक सर्जन से ज्यादा फेमस है। ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने दुनिया को ये जरूर दिखाया कि उन्हें अपने सैनिकों की कितनी परवाह है, पर उसी समय सर्जन के नाम को छुपाकर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत को उसका क्रेडिट कभी ना मिले। हालांकि बाद में इस घटना ने भारत को द ओरिजिन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से पहचान दी, बट फॉर्चुनेटली ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, एक्चुअली यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि जब पूरी दुनिया को ये समझ आया कि जिस भारत देश को वो एक अनएजुकेटेड पुअर कंट्री समझते थे, वो अचानक से द ओरिजिन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बन गया, जहाँ का एक साधारण सा पॉडल वो सर्जरी कर सकता था जो पूरे यूरोप में कोई डॉक्टर नहीं कर सकता था। सो सवाल आया कि भारत में ऐसे और कितने राज छुपे हैं और ये सब शुरू कहाँ से हुआ, किसने इन टेक्निक्स को इन्वेंट किया, और इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते लोगों को एक नाम मिला जो आने वाले समय में पूरी दुनिया में मेडिकल रिवोल्यूशन लाने वाला था, और ये नाम था महर्षि सुश्रुता। वैसे तो सुश्रुत के भी पहले भारत में मेडिसिन का इतिहास बहुत पुराना था, जो लगभग 4000 BC और 900 BC के बीच था, और ये सब हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन श्रुति ग्रंथों में देखने को मिलता है, जिन्हें आज से कई हजार साल पहले लिखा गया था। इस काल को वैदिक काल कहा जाता था, जिसमें चार वेदों का संग्रह हुआ था, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आयुर्वेद को इलाज की कला का नाम दिया गया था। मेडिकल हिस्टोरियंस ने इन ग्रंथों में कुछ बहुत अलग नोटिस किया। उन्होंने देखा कि भारतीय लोगों को वैदिक पीरियड में भी हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पता था और वो उसके लिए भी प्रिकॉशंस लेते थे। पर सुश्रुता और उनकी लिखी किताब सुश्रुत संहिता को वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट मेडिसिन बुक माना जा सकता है। टेक्निकली आज भी सुश्रुत की रियल टाइमलाइन पर डिबेट की जाती है। नो वन नोज कि सुश्रुत एग्जैक्टली किस पीरियड से बिलोंग करते थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि सुश्रुत के जो भी मैन्युस्क्रिप्ट मिले वो उनके पुरानी कॉपीज की कॉपी एंड रिविजन्स के रिविजन्स है। 1890 में ईस्टर्न तुर्किस्तान में एक एक्सकेवेशन साइट पर एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली, जिसे बावर मैन्युस्क्रिप्ट नाम दिया गया, जिसे आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखा गया है। इस मैन्युस्क्रिप्ट पर भी सुश्रुत का नाम पाया गया। वेस्टर्न कंट्रीज ने हमेशा भारत के इस क्रेडिट को सप्रेस करने की कोशिश की, पर H.H. विल्सन एंड J.F. रॉयले की स्टडी ऑफ इंडियन मेडिकल हिस्ट्री TA Wise की कमेंट्री ऑन हिंदू सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने हिंदू मेडिसिन सिस्टम पर अपना पहला सर्वे कंप्लीट किया एंड ये प्रूव किया कि इंडिया वॉज इंडीड द बर्थ प्लेस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। सुश्रुत ने अपनी किताब सुश्रुत संहिता को 6 हिस्सों में लिखा था। सुश्रुता ने अपनी इस किताब में 300 सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मेंशन किया है, जिसका उन्होंने खुद इन्वेंशन किया था। उन्होंने 385 प्लांट जनरेटेड, 57 एनिमल जनरेटेड एंड 64 मिनरल जनरेटेड मेडिसिन को भी मेंशन किया है, जिसे पाउडर्स, डिस्टिलेट्स, डिकॉक्शंस, मिक्सचर एंड जेल के फॉर्म में पेशेंट्स को दिया जा सकता था। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट 2 kinds ऑफ प्लायर्स, 28 टाइप्स ऑफ needles एंड 20 टाइप ऑफ catheters। इन सब के अलावा सुश्रुता ने 14 तरह के bandages, 6 bone dislocations एंड 12 टाइप ऑफ fractures के बारे में भी बताया है। इस्लामिक invasions के बाद अरब्स ने सुश्रुत के इस ज्ञान को ना सिर्फ चुराया बल्कि इसे अरबी में ट्रांसलेट भी किया, जिसे किताब शाहशुल अल हिंदी एंड किताब सुश्रुत नाम दिया गया, जो अरबिया, पर्शिया एंड इजिप्ट तक पहुँच गई। इसके बाद हेस्लर ने इसका ट्रांसलेशन लैटिन में, हॉर्नल ने इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में, म्यूलर ने जर्मन में भी किया, और देखते ही देखते सुश्रुत एंड इंडियन मेडिसिन पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। फ्रैंक मैकडोवेल अपनी बुक द सोर्स बुक ऑफ प्लास्टिक सर्जरी में सुश्रुता की अचीवमेंट्स को डेलिब्रेट करते हुए कहते हैं कि
through all of Shushrut's flowery language, incantations, and irrelevancies, there shines the unmistakable picture of great surgeon. Undaunted by his failures, unimpressed by his success, he sought the truth uneasingly and passed it on to those who followed. He attacked diseases and deformity definitively, with reasoned and logical methods. इस पूरे वीडियो में हमने सुश्रुता और हिंदू मेडिसिन सिस्टम के बारे में जो कुछ भी देखा वो रियलिटी में एक बहुत छोटा हिस्सा है। ना जाने ऐसे और कितने अनबिलीवेबल सीक्रेट्स आज भी हमारे इतिहास में छुपे हुए हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो देन लाइक इट, शेयर इट एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ वो लाल बटन दबा देना। फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद।